दोस्तों, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, किसी भी क्लास के छात्र हो, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर आप इंटरमीडिएट हाई स्कूल के लिए अपना फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो, तो आज के इस वीडियो में सारी हम डिटेल बताएंगे कैसे आप अपना खुद से ही अपने मोबाइल फोन से अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी डिटेल बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए तो अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना, चाहे आप मोबाइल में ओपन करिए या फिर आप अपने लैपटॉप में। उस सर्च बार में आपको टाइप करना है myupscholarship.com। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा। सिंपली अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देखने को मिलेगी। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, आपके अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में आप इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको जब ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कई सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि NPCI सीडिंग अपना चेक कर सकते हैं, डिजी लॉकर वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। अगर आप यहाँ पर किसी भी क्लास के छात्र हैं, चाहे आप यहाँ पर हाई स्कूल के छात्र हैं, नाइन्थ के छात्र हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं या फिर बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हैं, किसी भी क्लास के छात्र हैं और यहाँ पर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका फुल वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा और आप अपना वहां पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, अपना पासवर्ड भी वहां से बना लेना है। तो जब पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा आगे के लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करके हम इसमें दिखाएंगे तो यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बता चुके हैं, उसको देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आना है यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप फ्रेश कैटेगरी के छात्र हैं, फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन से अपना लॉगिन कर लेना, अगर आप नाइन्थ या हाई स्कूल के छात्र हैं। अगर आप यहां पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो नीचे यहां पर आपको रिन्यूअल का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रिन्यूअल कैटेगरी के छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वे लॉगिन ऑप्शन से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी क्लास के छात्रों, चाहे आप नाइन्थ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बी ए बी एस सी बी कॉम, किसी भी क्लास के छात्र हैं और रिन्यूअल फॉर्म के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिन्यूअल लॉगिन से अपना यहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे अगर आप यहां से फ्रेश फॉर्म फिलअप करेंगे तो कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना, जिसका प्रोसेस हमने पहले बता दिया है, आप उसी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां पर आना है, इसके बाद यहां पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो यहां पर हम बी ए बी एस सी बी कॉम या डिग्री डिप्लोमा कोई कोर्स कर रहे हो तो उनके लिए हम फॉर्म फिलअप करके बताने वाले हैं कैसे आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करोगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर आना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट लॉगिन के ऑप्शन में, यहां पर आपको लॉगिन फ्रेश पे क्लिक करना है। यहां से आपको अपना लॉगिन करना रहेगा। रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र हैं तो यहां पर रिन्यूअल से अपना लॉगिन करेंगे। तो यहां पर हम फ्रेश के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहां पर हम फ्रेश लॉगिन से लॉगिन कर लेते। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले 2023-24 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, उसको फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, वही नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था 6 से 12 अंकों का, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस कैप्चा कोड को नीचे दिए गए बॉक्स में आपको फिलअप
करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। देन यहाँ पर हम सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका फॉर्म लॉगिन होकर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर आपका कंप्लीट रहेगा। और आपके जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसे भी आप यहाँ से अभी प्रिंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आया है, यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं अगर आपने वहाँ से प्रिंट नहीं किया है। अब यहाँ बारी आती है डिजी लॉकर सत्यापन की। जो भी यहाँ पर फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो भी छात्र, उनको यहाँ पर डिजी लॉकर सत्यापन करना अनिवार्य है। पहले जो छात्र फॉर्म अप्लाई किए जाते थे 2022-23 में, वे यहाँ पर डिजी लॉकर नहीं कराया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको डिजी लॉकर सत्यापन करना होगा। जिसके लिए आपको डिजी लॉकर से सत्यापन करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से डिजी लॉकर सत्यापन करने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो शो होगा। नीचे आपको कैप्चा कोड देखने का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको कैप्चा कोड जो नीचे बॉक्स है इसमें आपको फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन एक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालकर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ हम कैप्चा कोड फिलअप करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको ओटीपी जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन नीचे कैप्चा कोड आपको फिलअप करना रहेगा जो बॉक्स में दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पर सबमिट ओटीपी का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम ओटीपी और कैप्चा कोड फिलअप कर लेते हैं। दोनों फिलअप करने के बाद सबमिट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हो तो ऊपर एक टॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको आप एक ओके करना है। ये यहाँ पर आपको डिजी लॉकर पे ले जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर ओके करना है। जैसे आप इसे ओके करते हो तो ये आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइनिंग करने के लिए बोला। अगर आपका यहाँ पर पहले से अकाउंट बना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से साइनिंग कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अकाउंट पहले से बना कर रखा है डिजी लॉकर में, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से चाहें तो लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आपको आधार यूजर नेम का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आधार यूजर नेम से भी अपना यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप यहाँ पर लॉग इन हो सकते हैं, तो चाहे आप मोबाइल नंबर से करें या फिर आप यहाँ पर आधार यूजर नेम से लॉग इन करें। जैसे ही आप आधार यूजर नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना रहेगा, या फिर आप यूजर नेम भी डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको पिन डालना रहेगा, जो भी आपका पिन रहेगा, 6 अंकों का आपने जो पिन बनाया था उस पिन को आपको डालना है। अगर आप पिन भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट पिन का भी ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से पिन चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर आधार नंबर पिन डालकर साइनिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू यूजर हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आई डो नॉट एनी अकाउंट, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको साइनअप पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने में आगे कोई प्रक्रिया ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जैसा हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। पहले से यदि अकाउंट नहीं है, आपको पता भी नहीं है, तो यहाँ पर आप साइनिंग कर सकते हैं। साइनअप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आधार नंबर डालोगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता दिया जाएगा और वहाँ पर आप पिन डालकर लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर से हम लॉगिन करने वाले हैं। हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है जिस कस्टमर का भर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 6 अंकों का पिन डालना रहेगा, जो भी आपका पिन रहेगा, पिन आपको इस बॉक्स में 6 अंकों का जो आपने पहले बनाया था याद है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। पिन डालने के बाद नीचे साइनिंग का ऑप्शन हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे क्लिक करोगे तो जो आपका जिस नंबर से डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा 6 अंकों का। ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिलअप करना रहेगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे आपको सबमिट करना रहेगा। तो हम यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर लेते हैं, जो भी हमारे नंबर पे ओटीपी आया हुआ है। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इस पर सिंपली हम क्लिक करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसी प्रकार से अगर आप साइन अप करके करोगे तभी आपको इसी प्रकार से ओटीपी डाल के सबमिट करोगे, इसी प्रकार से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको अलाउ करना है, जो आपकी डिटेल हैं वो यूपी स्कॉलरशिप को दी जाएंगी डिजी लॉकर से। जो आपकी डिजी लॉकर में डिटेल आपकी आधार से जो रिलेटेड है वो ऐड हो चुकी हैं। अब यहां से जैसे ही आप अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपका पेज लोड होगा और आपकी जो डिटेल रहेंगी डिजी लॉकर से स्कॉलरशिप को दी जाएंगी, वो भी आपके आधार की डिटेल, बाकी डिटेल नहीं दी जाएंगी क्योंकि अभी आपने आधार से केवल साइन अप किया है। तो आधार से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी वो सारी डिटेल आपको, आपकी जो रहेगी वो यूपी स्कॉलरशिप को दे दी जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम, जेंडर और यहाँ पर आपके गार्जियंस का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ये आपका आधार से मैच होता, जो आपकी आधार से डिटेल है वही आएगी। यहाँ पर आप आधार कार्ड का फोटो भी यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो आधार कार्ड पे फोटो होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको वेरीफाई डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको वेरीफाई डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डिजी लॉकर कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रीन टिक लग चुका है, आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे का ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। यहाँ पर पहले आपको डिजी लॉकर का ऑप्शन नहीं आता था 2022-23 में, अब डायरेक्ट यहाँ से छात्रवृत्ति से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते थे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। लेकिन इस बार आपको डिजी लॉकर सत्यापन करने के बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसके लिए यहाँ पर आपको डिजी लॉकर कंप्लीट करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हो फॉर्म भरे वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, देन यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण देना रहेगा अपना। इसके बाद यहाँ पर आपका निजी विवरण जो भी रहेगा वो फिलअप करना है, बैंकिंग डिटेल देनी रहेगी, शुल्क संबंधी डिटेल फिलअप करनी है, गत वर्ष का विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो आपको कुल मिला के 5 स्टेप में अपना फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। सबसे पहले आपको शैक्षिक विवरण, निजी विवरण, बैंकिंग विवरण, शुल्क संबंधी विवरण, गत वर्ष का यहाँ पर विवरण। तो सबसे पहले आपको शैक्षिक विवरण फिलअप करना है, जिसके लिए आपको शैक्षिक विवरण पर पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जैसे शैक्षिक विवरण पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्वपोषित पहले से ही आपके कॉलेज के हिसाब से सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद पाठ्यक्रम का जो नाम रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जैसे कि आपका कौन सा कोर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, या आप यहाँ पर डी फार्मा, एमए या फार्मेसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी क्लास में हैं, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, जैसे आप बीए कर रहे हैं तो बीए सेलेक्ट करोगे, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपका बैच सेलेक्ट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करोगे उसका बैच यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपका यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट नहीं होता है, कोर्स सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आपको केवल आपके स्कूल का ही जो छात्र रहेंगे उनके फॉर्म यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी केवल आपके लिए नहीं आएगी, आपके पूरे स्कूल के लिए आएगी, आपके पूरे क्लास के लिए आएगी। जो भी छात्र यहाँ पर जिनका कोर्स सेलेक्ट नहीं होता है, ये क्यों आता है, क्योंकि आपकी जो डिटेल होती है, आपके स्कूल की डिटेल, आपके कोर्स की डिटेल, वो डिटेल आपको आपके स्कूल से यूपी स्कॉलरशिप को दे दी जाती हैं, जिससे आपका जो डाटा होता है जो यहाँ पर कोर्स का, वो इस यूपी स्कॉलरशिप पे ऐड किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका कोर्स फॉर्म यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आपका कोर्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब तक आपकी डिटेल स्कूल से यूपी स्कॉलरशिप को नहीं दी जाएंगी, तब तक यहाँ पर आपके स्कूल का जो भी क्लास रहेगा, उस स्कूल के क्लास का यहाँ पर जो पाठ्यक्रम रहेगा, कोर्स रहेगा, वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो यह एक बार आपको अपने स्कूल से पता कर लेना है कि आपके जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही यहाँ पर आप बैच सेलेक्ट करते हो, बैच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का
जो वर्ष रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, कितने वर्षों के लिए आपकी जो पढ़ाई होती है वो होती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर, यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड और यहाँ पर थर्ड, द्वितीय से तीन ऑप्शन आ जाते हैं जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जिस भी जितने वर्ष का आपका कोर्स रहेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप किसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए, तो यहाँ पर आप जिस भी सब इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिस भी कोर्स के लिए, जैसे आप फर्स्ट ईयर के लिए तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए तो सेकेंड ईयर सेलेक्ट करेंगे, थर्ड ईयर के लिए तो थर्ड ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एडमिशन हुआ है वो लेटरल के आधार पर हुआ है, जो लेटरल के एंट्री के आधार एक होता है उसके आधार पर हुआ, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, अन्यथा इसको नो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप आवासीय छात्र हैं या दिवा छात्र हैं। तो यहाँ पर अगर आप आवासीय छात्र हैं, आवासीय का मतलब ये होता है क्या आप हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आवासीय सेलेक्ट करना है। अगर आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिवा छात्र सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करना है कि आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या आप घर से जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, पर डे अप डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिवा छात्र सेलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल से पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आवासीय सेलेक्ट करना है। आवासीय सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप जब मिलेगी तो यहाँ पर जो हॉस्टल का खर्चा होता है उसको कुछ यहाँ पर आपको कंसेक्शन होके मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप में ऐड होके मिलेगा। अब यहाँ से आप पूछ रहा है क्या आप वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपने प्रवेश किस डेट में लिया है। तो पाठ्यक्रम मतलब आप जैसे फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में जिस भी डेट में आपने एडमिशन लिया है, या सेकेंड ईयर में हैं तब भी आप फर्स्ट ईयर में जिस डेट में एडमिशन लेते हैं उस डेट को फिलअप करना है, थर्ड ईयर में है तब भी आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर की ही डेट यहाँ पर डालनी रहेगी, जिस भी डेट में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उसको फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में, अगर आप यहाँ पर सेकेंड ईयर के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर की डेट डालना है, फर्स्ट ईयर में फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की डेट डालना है, फर्स्ट ईयर में जिस भी डेट में एडमिशन लिया था। अगर आप थर्ड ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड ईयर में जिस डेट में आपने एडमिशन लिया है उस डेट को यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका बोर्ड पंजीकरण क्रमांक आपको स्कूल से मिल जाएगा, वहाँ से आपको पता करके इसमें डालना रहेगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो अभी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसमें आप 00 डालकर आगे फॉर्म बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जब जांच प्रिंट निकलेगी वहाँ पर आप अपना जो पंजीकरण क्रमांक रहेगा उसको पूछकर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका बोर्ड पंजीकरण, जो बोर्ड एनवायरमेंट रहेगा आपका बोर्ड, वो पहले से ही सेलेक्ट रहेगा आपके कॉलेज से ही। जैसे आप कॉलेज फिलअप करोगे वहाँ से सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर कॉलेज के हिसाब से अपना बोर्ड सेलेक्ट रहता है, उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप व्यावसायिक इंटर के आधार पर आपका ये सिलेक्शन हुआ, अगर आपके इंटरमीडिएट के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन लिया गया है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। तो आपको यदि इंटरमीडिएट के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन लिया गया है, चाहे आपका बीए हो या बीएससी हो, जो भी डिग्री कर रहे हो इंटरमीडिएट के आधार पर लिया गया, तो वहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पाठ्यक्रम की पात्रता से पूछ रहा है कि आपकी पात्रता किसके आधार पर आपका एडमिशन, तो जहाँ पर आप हाई स्कूल से आए हैं या इंटरमीडिएट से डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन लिया है, या स्नातक से आपका यहाँ पर हुआ है, या परास्नातक से हुआ है, या फिर आपको यहाँ पर डिप्लोमा या पीजी से आपका यहाँ पर एडमिशन लिया गया है, तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। जिस भी आपको, जैसे इंटरमीडिएट से आपका एडमिशन हुआ तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करोगे, हाई स्कूल से एडमिशन हुआ तो हाई स्कूल सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपका वर्तमान पाठ्यक्रम में अगर आपने कोई पेपर दिया है, आपने एग्जाम देकर इसमें अपना एडमिशन लिया है, कोई भी आप एग्जाम दे दिया था, एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आपने आपका सिलेक्शन किया गया है, आपके कॉलेज में आपका एडमिशन लिया गया है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी आप एग्जाम दिए होंगे तो उसको आगे डिटेल फिलअप करनी रहेगी। जैसे अगर आप यहाँ पर यस करते हो, आपने पेपर दिया है, तो यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर एग्जाम दिया है, जैसे जेकअप हो गया, नीट हो गया, बहुत सारे यहाँ पर आ जाते हैं, आप जिस भी कोर्स के लिए आपने यहाँ पर पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, उसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको काउंसलिंग नंबर अपना फिलअप करना रहेगा, अगर आप यहाँ पर एग्जाम देकर अपना एडमिशन लिए हैं तो यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगी अपने, यहाँ पर आपका परीक्षा किस वर्ष आपने दिया था, जो जिस भी वर्ष आपने परीक्षा दिया था उसको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको रैंक, जो भी आपकी रैंक आई थी, आपने पेपर दिया था तो आपको रैंक भी मिली होगी, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। रैंक फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको कट ऑफ भी डालना रहेगा, कितना कट ऑफ गया था आपका, वो कट ऑफ यहाँ पर आपको अंकों में डालना है, जो जो भी आपके अंक मिले थे। अगर आपका यहाँ पर
कोई आपने एग्जाम नहीं दिया है, डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, ये ब्लैंक हो जाएंगे, इन्हें फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप अपना, आपको पता ही होगा, आपने पेपर देकर अपना एडमिशन लिया है या ऐसे ही आपका एडमिशन हो गया है मेरिट के आधार पे, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको योग्यता, शैक्षिक योग्यता फिलअप करनी है, जैसे कि आपका हाई स्कूल आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया था, तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल के वर्ष सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर वर्ष सेलेक्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल में कितने का पूर्णांक आपका था, तो आपको यहाँ पर पूर्णांक हाई स्कूल का फिलअप करना रहेगा। हाई स्कूल में कितने नंबर प्राप्त हुए थे उसको फिलअप करना होगा। हाई स्कूल में कितना परसेंटेज आपका था वो आपको फिलअप करना रहेगा। किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया था, यूपी बोर्ड, सीएससी बोर्ड, आपको अपने यहाँ पर डालना रहेगा। जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पर हाई स्कूल पास किया है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, टाइप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट पूछ रहा है, इंटरमीडिएट किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का जो भी पूर्णांक रहेगा वो आपको फिलअप करना है। इंटरमीडिएट का पूर्णांक सेलेक्ट करने के बाद प्रतांक, जो भी आपके इंटरमीडिएट में अंक आपको मिले थे वो अंक यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। जो भी आपका परसेंटेज बनता है परसेंटेज आपको इसमें डालना रहेगा। देन यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का बोर्ड, जो भी बोर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। इसके बाद अगर और कोई डिग्री यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड न्यू एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी डिग्री यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऐड करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको कैप्चा कोड फिलअप करना रहेगा। और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करके टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करके अपना फॉर्म सबमिट करना रहेगा। तो यहाँ पर जो भी डिटेल हैं हम आप एक बार फिर फिलअप कर लेते हैं, जो सारी डिटेल इसको फिलअप करने के बाद हम यहाँ पर आपको सबमिट करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी डिटेल फिलअप कर ली है। देन यहाँ पर हम सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पेज लोड होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका शैक्षिक विवरण कंप्लीट हो चुका है। शैक्षिक विवरण कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको निजी विवरण फिलअप करना रहेगा। ये लॉगिन हो चुका है, जैसे आप देखोगे तो निजी विवरण का डिटेल ओपन भरने के लिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको आवासीय पता, जहाँ आप रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वहाँ का एड्रेस आपको फिलअप करना है, जहाँ आपका मकान है। इसके बाद आपका व्यवहारिक पता, अगर आपका आवासीय पता और व्यवहारिक पता दोनों सेम हैं तो आप यहाँ पर टिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा, इसे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका व्यवहारिक पता अलग अलग है तो यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपका राशन कार्ड नंबर है तो इसमें डाल लेना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। जैसे राशन कार्ड नंबर है तो डालना कोई मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको जो विकलांगता है, अगर किसी प्रकार की विकलांगता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा जो भी विकलांगता रहेगी। इसके बाद यहाँ पर विकलांगता सर्टिफिकेट भी बना होगा, उसका परसेंटेज कितना है वो आपको डालना रहेगा, जो भी आपका विकलांगता सर्टिफिकेट में परसेंटेज रहेगा। विकलांगता भत्ता आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको डालना रहेगा। विकलांगता सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या है उसको डालना है, आवेदन संख्या है उसको फिलअप भी करना रहेगा। यहाँ पर नीचे अगर आपकी कोई विकलांगता नहीं है तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही छोड़ देते, कोई विकलांगता नहीं है। देन यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिलअप करके टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम नीचे सारी डिटेल फिलअप करने के बाद अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका निजी विवरण कंप्लीट हो चुका है, अब बैंकिंग डिटेल आपको फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। बैंकिंग डिटेल में सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना रहेगा, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट रहेगा। ये अकाउंट आपको आधार से लिंक ही अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी आपका बैंक से अकाउंट लिंक हो, आधार से लिंक अकाउंट हो, वही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहां से चयन करना है। इसके बाद यहां पर आपको ब्रांच का नाम भी सेलेक्ट करना रहेगा, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट रहेगा उसको यहां पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहां पर जैसे ही आप अपना ब्रांच सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपका खाता संख्या डालना रहेगा, जो भी छात्र का खाता नंबर होगा सही सही आपको फिलअप करना है। ये भी आपको यहाँ पर आधार से लिंक ही अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना है, जिससे आपको आगे NPCI में प्रॉब्लम ना आए। अगर आप यहाँ पर दूसरा अकाउंट डाल देते हो तो यहाँ पर आपका NPCI में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर आपको पहले अकाउंट सही से फिलअप करना, जो आधार से लिंक होना चाहिए। दोबारा से अपना अकाउंट नंबर डालोगे, IFC कोड, जैसे ही आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे IFC कोड ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। खाता संख्या, खाता धारक का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा, जो भी बैंक पासबुक पर
का नाम रहेगा वही नाम आपको फिलअप करना है। कैप्चा कोड आपको इस वक्त में फिलअप करना है जो दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन एक्सेप्ट करके फॉर्म को अपडेट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, जो भी डिटेल हैं आपकी बैंकिंग डिटेल आपको सही से फिलअप कर लेना है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको अपडेट करना रहेगा। जैसे ही आप वहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बैंकिंग डिटेल अपडेट हो चुकी है, शुल्क संबंधित डिटेल आपको फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपकी जो भी यहाँ पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क होगी वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। ये फीस आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं, आपकी फीस कितनी है, आप जमा करते होंगे तो आपको भी पता होगा आपकी वार्षिक कितनी फीस जमा करते हैं, वो डालना है। कैप्चा कोड आपको इसमें फिलअप करना है, देन यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हम फीस फिलअप कर लेते हैं जो भी हमारी फीस रहेगी, देन यहाँ पर हम अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका शुल्क संबंधी जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो चुका, यहाँ पर आपको टिक लग चुका। अब यहाँ पर आपको गत वर्ष की डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पर काफ़ी छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना फॉर्म मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिलअप करने से पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपका सबसे पहले अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करनी है। प्रीवियस ईयर आपका वही बनता है इंटरमीडिएट, या फिर आप जिस भी क्लास से आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उस डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल फिलअप करना है। अगर आप थर्ड ईयर में फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर की डिटेल फिलअप करना है। इस प्रकार से आपके पीछे जो आप जिस प्रेजेंट क्लास में पढ़ रहे हो उसके पीछे आपने जिस क्लास में पास आउट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी रहेगी, ना कि आपको यहाँ पर जो प्रीवियस मतलब आपका जो सेम कोर्स कर रहे हो उसकी डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देकर अपना डिटेल फिलअप करना है। अगर आप यहाँ पर पास हैं तो पास सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, अगर आप यहाँ पर परीक्षा प्रणाली आपकी सेमेस्टर प्रणाली है तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। अगर आपकी यहाँ पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी तो वहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा प्रणाली को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी प्रणाली रहेगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको गत वर्ष की अंक प्रणाली सेलेक्ट करना है। अगर आपकी वार्षिक अंक प्रणाली तो यहाँ पर आपको वार्षिक सेलेक्ट करना है। CGPS अगर आपकी प्रणाली तो यहाँ पर आपको CGPS आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप परीक्षा प्रणाली और यहाँ पर अंक प्रणाली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म ना हो तो अपने कॉलेज से ही पता कर लेना। इसके बाद ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके फॉर्म अपना लॉक करना है। तो इसके लिए आप अभी तो कोई भी डिटेल फिलअप कर सकते हो, इसके बाद यहाँ पर जांच प्रिंट पे आपको सब कुछ सही करने के बाद ही अपना फॉर्म लॉक करना होगा। तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज से कंफर्म करके ही फिलअप करेंगे। देन यहाँ पर आपको गत वर्ष का प्रांक जो आपका प्रतांक अंक रहेंगे, जो भी पीछे वर्ष में आपने जो भी परीक्षा पास किया था उसके जो भी अंक रहेंगे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। पीछे क्लास के जो भी आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं उससे पीछे जो आप पढ़ाई कर चुके हैं उसमें जो भी अंक आपको मिले थे वो आपको फिलअप करना है। जो भी आपका प्रांक था उसको फिलअप करना है। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको पीछे जिस भी स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे थे, चाहे सेम स्कूल से फिलअप कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे तो यहाँ पर आपको सेम स्कूल फिलअप करना है। अदर दूसरे स्कूल से पढ़ाई किए थे तो यहाँ पर आपको दूसरा स्कूल यहाँ पर स्कूल का नाम फिलअप करना रहेगा। स्कूल का नाम फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको साइड में कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है। कैप्चा कोड आपको सेम बॉक्स में आपको फिलअप कर लेना है। इस बॉक्स में कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पर आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। तो हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते जो भी हमारे अंक प्रणाली या जो हमारी प्रतांक थे सब कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका आवेदन सफलतापूर्वक भर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका फोटो भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पर बिना फोटो अपलोड के अपलोड माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका फोटो भी अपलोड हो चुका है जो आधार कार्ड पर लगा हुआ था। अब यहाँ पर आपको होम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फोटो भी अपलोड हो चुका है आपके आधार कार्ड से। जो भी आपका आधार कार्ड में फोटो लगा था वही फोटो आपका यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यह फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से अभी आप आवेदन पत्र संशोधित करना चाहें तो यहाँ पर आप संशोधित कर सकते हैं यदि आपने कोई गलत डिटेल फिलअप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको आय एवं जात प्रमाणीकरण करना होगा।
आपको यहाँ पर आय एवं जात प्रमाणीकरण के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने जो आपकी डिटेल रहेगी, जो रजिस्ट्रेशन में डाला था, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको अपने आय की डिटेल सबसे पहले फिलअप करनी रहेगी। आय में सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, जो आपने आय में प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको फॉर्म जो आपका प्रमाण पत्र रहेगा उसके बाईं साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका आय में प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या जो भी रहेगा, आय आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या दोनों वहां पर एक ही जगह पर लिखी मिल जाएंगे। दोनों चीज़ें यहां पर आपको फिलअप करना है। आवेदन फॉर्म संख्या फर्स्ट में और सेकेंड में आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या फिलअप करनी है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है, जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है। देन यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना। तो यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो नीचे आपकी डिटेल ओपन होके आएगी, जो आपकी आय की विवरण आपका सारे नीचे आ जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने सबमिट किया, आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपका यहाँ पर नाम, फादर्स नेम और जो भी आपकी इनकम रहेगी सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका ई डिस्ट्रिक्ट से आय के जो मिलान है वो हो चुका है, आपका आय प्रमाण पत्र सत्यापित हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जात वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको जैसे आपने आय की डिटेल फिलअप की, जाति आवेदन फॉर्म संख्या आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में फिलअप करना है। जो भी आपकी जाति आवेदन फॉर्म संख्या होगी, जो आय जात में जो आपका रहेगा प्रमाण क्रमांक संख्या जो रहेगा आपका नीचे बॉक्स में फिलअप होगा। नीचे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, जिस भी जात से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। अपनी जात यहाँ से आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जिस भी जात से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आप कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करें तो उसकी रिलेटेड सारी जात यहाँ पर शो हो जाएंगी। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी डिटेल उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगी, जात की जो भी डिटेल रहेंगी। अब यहाँ से आपको जात वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जात और आय प्रमाणीकरण हो चुका है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रीन टिक आपको मिल चुका है। अब नीचे यहाँ पर आपको अपना आधार प्रमाणीकरण करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले का एक ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने आपकी डिटेल जो भी रहेंगी वो सारी शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, एक चीज़ देख लेना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आप यहाँ पर 3 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका 3 बार में आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है तो यहाँ पर आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सही से अपनी डिटेल फिलअप करनी है बिना गलती किए हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर अपना चेक करेंगे, क्या क्या चेक करना है कि आपका फॉर्म यहाँ पर एक बार में ही अपना वेरिफिकेशन, आपका आधार प्रमाणीकरण हो जाए। इसके लिए यहाँ पर नीचे आपका यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से जो नाम दिख रहा है इसमें मैच करा लेना है, और जो डेट ऑफ बर्थ दिख रही है दोनों चीज़ें मैच कर लेनी है कि आपका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ एकदम जो आधार पे है वही आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया है, तभी आपका यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण होगा। तो एक बार अपना चेक करने के बाद ही यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण पे क्लिक करना, वरना आपका फॉर्म लॉक हो सकता है। तो एक बार अगर आप सही नहीं तो इसे करेक्ट करा के ही अपना यहाँ पर फॉर्म वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आधार नंबर फिलअप करना रहेगा, जो भी आधार नंबर आपका रहेगा उस आधार नंबर को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। दोबारा से आपको आधार नंबर इस बॉक्स में फिलअप करना है। यहाँ पर आपको 2 बार इसलिए फिलअप कराया जा रहा है जिससे आपका मिस्टेक ना हो और यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाए। इसके बाद टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, आधार नंबर डाल लेते हैं, वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका लोड होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म लोड होने के बाद यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण जैसे ही हो जाता तो यहाँ पर NPCI सत्यापन भी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसे करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका NPCI से अकाउंट लिंक है तभी आप NPCI सत्यापन होगा। अगर आपका NPCI से अकाउंट लिंक नहीं है तब आपका यहाँ पर NPCI पे आके आपका फॉर्म रुक जाएगा। तो सबसे पहले आपको NPCI स्टेटस अपना जरूर चेक कर लेना है कि आपका NPCI से अकाउंट लिंक है या नहीं लिंक है। अगर आपका यहाँ पर लिंक नहीं है तो आप
सबसे पहले अपना यहाँ पर NPCI से अकाउंट लिंक कराने के बाद NPCI सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है NPCI अकाउंट कैसे चेक करें या फिर NPCI से अकाउंट कैसे लिंक करें, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देखकर आप अपना NPCI भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इनएक्टिव देखने को मिलता है तो कैसे आपको लिंक कराना है उसका डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ से आप देखकर अपना NPCI स्टेटस चेक करके अपना लिंक कराने के बाद दोबारा से NPCI सत्यापन कर सकते हैं। NPCI सत्यापन होने के बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट का ऑप्शन भी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से अपना जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर NPCI सत्यापन होने के बाद रोल नंबर वेरीफाई हो जाता है, फिर यहाँ पर जैसे ही जांच आवेदन प्रिंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो डिटेल फिलअप की थी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी छात्रों की प्रॉब्लम आती रहती है, काफ़ी छात्र यहाँ पर कमेंट करते हैं जैसे कि उनका माताजी का नाम शो नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका माताजी का नाम किसी का भी नहीं शो करता है, तो यहाँ पर माताजी का नाम फिलअप करने का ऑप्शन नहीं आता, तो यहाँ पर कैसे आपका माताजी का नाम आ जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका रोल नंबर नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका जो रोल नंबर नहीं सॉरी यहाँ पर आपका हाई स्कूल का जो कॉलेज होता है उसका नाम नहीं आता है। पहले आपका यहाँ पर स्कूल का नाम फिलअप होता था रजिस्ट्रेशन में, इसके बाद यहाँ पर आपका नाम शो होता था, लेकिन अब यहाँ पर आपका ना ही आपका माताजी का नाम फिलअप होता है ना ही आपका यहाँ पर स्कूल का नाम फिलअप होता है, जिससे यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें शो नहीं होती। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप डिटेल देख लीजिए, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल और सही हैं, इसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद 3 दिन बाद पर आपको संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करने का ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, तब आप अपना यहाँ से आवेदन प्रिंट करके संस्था में अपना जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना फ्रेश फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बताई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।